आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एमएस प्लेयर के बारे में। एमएस प्लेयर में कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो हम लोग यूज नहीं करते हैं, उसका जो बेसिक फंक्शन होता है उसे ही यूज करते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा कुछ इसका बेसिक फंक्शन या कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। इस वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। हे नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मोरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल पे। यहाँ देख सकते हैं मेरे में बना हुआ है इमेज प्लेयर, मैंने डाउनलोड किया है। सभी के पास इमेज प्लेयर होता ही है अपना वीडियो प्ले करने के लिए। इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि ये फीचर्स क्या है। यहाँ देख सकते हैं पहले यह जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसका देख सकते हैं कुछ इंटरफेस इस तरह आपको मिलेगा व्हाइट पर। इसे भी आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। यदि इससे आप बोर हो चुके हैं तो इसे आप चेंज करके किसी और स्टाइल में कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं बना है तीन डॉट खोलेंगे तो आपको मिलेगा सेटिंग। सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो पहला मिलेगा लिस्ट। लिस्ट पे आप जो क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा थीम। थीम पे क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा कलर बना हुआ है। जिस कलर कलम चाहे उसे आप इसे चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं इस कलर को चूज कर लेता हूँ और दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये फीचर्स हो गया है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर हमारे सामने यह है कि यहाँ देख सकते हैं कोई भी हम वीडियो यदि प्ले करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं इसका जो पुश बटन है या फिर बैकवर्ड या फॉरवर्ड बटन दे सकते हैं। इसका कलर दे सकते हैं बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है। इसे यदि आप फिर चाहें चेंज करना इसे भी बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा इसके तीन डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले के बाद आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग जाने के बाद यहाँ दिया आपको कंट्रोल देख सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बना हुआ है व्हाइट। इसे आप जिस भी कलम चाहे उस कलम रख सकते हैं। फिलहाल इसे रखता हूँ रेड कलर में। रेड कलर में रखने के बाद चेंज करते हैं ओके और आते हैं बैक और देखते हैं कि यहाँ इसका कलर चेंज हुआ। यहाँ देख सकते हैं इसका बहुत आसानी से इसका नीचे और ऊपर जो भी लिखा हुआ है यहाँ जो नीचे बटन दिया है इसे यहाँ इसका कलर चेंज हो गया है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं इसका जो ये बाहर यहाँ देख सकते हैं ये जो चल रहा है लाइनिंग यहाँ देख सकते हैं बहुत मोटा। इसे भी हम चाहे इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं और इसे मोटा जैसे हम पतला भी कर सकते हैं। यह कैसे कर सकते हैं इसके लिए भी आपको जाना होगा तीन डॉट पे। उसके बाद जाना होगा आपको डिस्प्ले में। डिस्प्ले के बाद आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर प्रोसेसिंग बार। प्रोसेसिंग बार पे यहाँ के सामने मिलेगा फ्लैट। फ्लैट को आप देख सकते हैं यहाँ पर मटेरियल कर सकते हैं। उसके बाद इसका कलर भी आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं इसका कलर रख लेता हूँ। ये कलर यहाँ से इसका रख लेता हूँ। यहाँ देखता हूँ बैक आता हूँ दिखता हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पे ये पतला भी ऐसा देख सकते हैं कलर भी यहाँ से चेंज हो गया है। देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी इसका कलर चेंज हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर दोस्तों हम हमारे में यही है कि यदि हम अपने जो भी एमएस प्लेयर चलाते हैं कोई भी वीडियो देखते हैं उसे हम लॉक करना चाहते हैं यहाँ से इसको टैप करते हैं और एक टैप पे ये लॉक हो जाता है। लेकिन दोस्तों यदि हम घर पे यदि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं उनको यदि हम मोबाइल देते हैं लॉक करके देखिए यहाँ से यदि टच करेंगे यहाँ देख सकते हैं ये तुरंत ये खुल जाता है। या फिर हम चाहते हैं कुछ ऐसा लॉक हो कि यह सब मेरे से किसी और से ना खुले या फिर जो छोटे बच्चे उन्हें यदि हम मोबाइल देते हैं वो इसे जल्दी ना खोल पाए यदि वीडियो चल भी रहा है तो। इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा इसके लिए आपको जाना होगा तीन डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा अपने डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर कंट्रोल मिलेगा यहाँ देख सकते हैं लॉक मोड। लॉक मोड में आप देख सकते हैं यहाँ बना हुआ किड्स लॉक टच इफेक्ट यहाँ देख सकते हैं किड्स लॉक दिया है और किड्स लॉक प्लस टच इफेक्ट इसको हम क्लिक करते हैं। यह बहुत ही एडवांस फीचर इसका है। यहाँ इसके बाद इसको हम करते हैं बैक और जिससे देख सकते हैं इसे हम कर दिए लॉक। यहाँ पर लॉक करने के बाद यहाँ देखिए बता रहा है कि यहाँ पर दिया अब एंटी अरे क्लॉक वाइज यहाँ पे देख सकते हैं क्लॉक वाइज इसकी चारों कोने पर आप टच करेंगे तो यह लॉक खुल जाएगा। उसके बाद यदि आप इसको इसकी स्क्रीन आप कहीं भी टच करके यहाँ देख सकते हैं इस तरह का कुछ कुछ आपके मोबाइल के अंदर बन के स्क्रीन बन के आ गया। लेकिन यहाँ से इसका लॉक खुलेगा नहीं। इसे बच्चे बहुत ज़्यादा इसे पसंद करते हैं। इसे जब खोना चाहते हैं यहाँ से क्लॉक वाइज इसे चारों कोने पर आप सिर्फ टच कीजिए और ये बहुत आसानी से इसका लॉक आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मैं इसे टच किया ये खुल गया। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर के आगे और दिखाते हैं कि वो नेक्स्ट फीचर क्या है। नेक्स्ट फीचर दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये जो आप ऊपर टाइटल बार ऊपर बना रही थी आप चाहेंगे ये जो यहाँ चल रहा है इसे चाहेंगे आपके यह नीचे आ जाए यहाँ नीचे चले ये भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको जाना होगा अपने तीन डॉट पे। उसके बाद आपको जाना होगा अपने डिस्प्ले पर। डिस्प्ले पर आप जाना होगा सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना होगा स्टाइल में। उसके बाद ऐसा यहाँ प्लेस प्रोसेसिंग बार वीडियो बटन यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको जो प्रोसेसिंग बार है यहाँ देख सकते हैं अब ये नीचे से प्ले होगा। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी से आप नीचे से प्ले होगा ये हो गया। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी आप जब भी आप कोई वीडियो प्ले करते हैं उस वीडियो का जो भी साउंड है वो आपको बैकग्राउंड चल जाए नहीं आप इसको काट दें तब भी वो गाना उसका बजता रहे बैकग्राउंड। इसके लिए भी आपको जाना होगा तीन डॉट पे क्लिक करने पर आपको जाना होगा प्ले में। प्ले में जाने पर आप यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड लिखा हुआ है यहाँ प्ले के बैकग्राउंड पे आप क्लिक करेंगे। यदि आप किसी भी चीज़ चला कर छोड़ दिए यदि आप अपने बैकग्राउंड में आ गए यहाँ देख सकते हैं ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे ये चल रहा है यहाँ पे ये बहुत आसानी से यहाँ से चल रहा है। इस तरह से भी इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से इस फीचर को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर दोस्तों यहाँ पे हमारा ये है कि यदि हम चाहते हैं यहाँ पे
फॉरवर्ड और बैकवर्ड और पुश बटन के अलावा भी हमारे पास कोई और बटन हो, उस बटन को आप बहुत आसानी से यहाँ से ला सकते हैं। दो और बटन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चल उसके लिए भी आपको जाना होगा यहाँ पे तीन डॉट क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा अपने डिस्प्ले में। डिस्प्ले के बाद आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग जगह यहाँ देख सकते हैं नेविगेशन बार, या नेविगेशन बार यहाँ देख सकते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड मूविंग बटन यहाँ पे देख सकते हैं। इसको अभी क्लिक करेंगे, इसे अनचेक करेंगे, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं इसे बैक आएंगे। यहाँ देख सकते हैं दो बटन था, उसके साथ साथ दो बटन और हो गया। यह दो बटन देख सकते हैं दोस्तों क्या करता है। यहाँ देख सकते हैं जब भी मैं क्लिक चलाता हूँ यहाँ देख सकते हैं ये दो बटन जोड़ने से आप अपने हिसाब से अपनी वीडियो को आगे पीछे आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर के दोस्तों। जब भी हम अपने इस वीडियो को प्ले करते हैं तो हमें अब इसको जब यदि बंद करना हो या चलाना होगा तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे हमें टच करना है। यदि हम चाहेंगे उस चीज स्क्रीन पर दो बार टच करके भी हम वीडियो को प्ले या पुश कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको जाना होगा डिस्प्ले, यहाँ पर डिस्प्ले पर जाना होगा। उसके बाद जाना होगा अपने सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन दिया हुआ, स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल पे कंट्रोल जाना होगा। यहाँ से कंट्रोल जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं डबल टैप करने के बाद यहाँ पे इसको अनचेक रहता है, इसे कर लेगा चेक कर लेना होगा। चेक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आ जाएंगे हम बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं डबल टैप करेंगे तो हमारा स्क्रीन पर चालू भी हो जा रहा है और यहाँ देख सकते हैं बंद भी हो जाएगा। बहुत ही आसानी से ये चलता है डबल टैप दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक और फीचर्स है, नेक्स्ट फीचर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि हम कोई भी वीडियो प्ले करते रहते हैं यदि गलती से यहाँ पे देख सकते हैं एक ही बार दब जाता है तो ये वीडियो हमारा नेक्स्ट हो जाता है। यहाँ एक बार दब गया और हमारा ये वीडियो नेक्स्ट हो गया। हम चाहते हैं कि नहीं एक ही बार गलती से दबने पर हमारा कोई भी वीडियो नेक्स्ट ना हो, इसके लिए आप दोस्तों क्या कर सकते हैं इसको भी आप डबल टैप लगा सकते हैं। इसके लिए आप दोस्तों यहाँ पर चलते हैं बैक चलने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत आसानी से हम यहाँ चलते हैं बैक और यहाँ तीन डॉट बना है, तीन डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जाने जाएंगे हम सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे प्लेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है डबल टैप टू बैक बटन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप चलते हैं बैक और आपको दिखाते हैं कि हमारा ये हुआ कि नहीं। यहाँ पे चलिए यहाँ से कोई मैंने अपना वीडियो ओपन कर लिया दोस्तों। यहाँ पर एक बार मैं यहाँ पर टैप करूँगा यहाँ देख सकते हैं ये मेरा बैक नहीं होगा। इसे जब डबल टैप करेंगे लगातार तभी मेरा कोई अगला वीडियो आएगा। इस तरह से कुछ इमेज प्लेयर के जो फीचर्स थे इन्हें आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ घंटे का बटन भी दबा दें। यदि आपको कोई सवाल या सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।